यज्ञों को भी संस्कार का ये आज अंतिम चरण चल रहा है। बटुक को आज हम लोग जो है मांगलिक दोष निवारण के लिए सारे बच्चों को आम बहू का विवाह करवाए हैं। वो विवाह करवाने से हम लोग का जो है मैथिल ब्राह्मण जितने भी है वो जनेऊ के समय में ही मांगलिक दोष निवारण के लिए आम बहू का विवाह करवाते हैं। वो विवाह हो जाने के बाद उनका किसी भी तरह का ग्रह गोचर जो भी मांगलिक दोष हो उसका निवारण के लिए करते हैं। जो ना वो हो जाने के कर्मकांड करने के आने के बाद आचार्य पंडित के द्वारा मातृका पूजा किया जाता है। मातृका पूजा के बाद वटुक को फिर हम मंडप पे लाएंगे और यहाँ पर मंडप पंडित के वेद उच्चारण के साथ मंडप पर आचार्य और वटुक को चढ़ाया जाएगा। चढ़ाने के बाद पंडित के द्वारा वेद प्रारंभ जनेऊ संस्कार का वेद प्रारंभ हो जाएगा और ये संपूर्ण शाम तक चले। 30 बच्चे हैं, 17 तारीख से चल रहा है। 17 तारीख को हम लोग बांस को निमंत्रण देकर वहां पर बांस में चावल के आटा का थप्पा लगा कर बस कट्टी बोलते हैं बांस को काटा जाता है और उसी बांस का कटा हुआ बांस को ला के हम जो है आपका मंडप बनाते हैं। समाज में हम लोग का समय समांग और अर्थ इस सब को हम लोग एक स्टेज पे लाना चाह रहे हैं कि हम लोग प्रवासी मैथिल जो है तो हम लोग का ऐसा हो जा रहा है कि बच्चा को पढ़ाई के चक्कर में कोई बच्चा का 28 साल कोई का 30 साल ऐसा हो जा रहा है जो समय पे जनेऊ नहीं कर पाते हैं। इसी का उद्देश्य हम लोग ये सब किए कि हमारा समय पर बच्चों का जनेऊ संस्कार हो जाए।